हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक यूट्यूब पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में। या दोस्तों, सीएसके की बात करें तो पिछले सीजन इतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं दे पाई, जिसका जो प्रमुख वजह थी वो थी सुरेश रैना अनअवेलेबल थे। इसके अलावा बात करें ड्वेन ब्रावो की तो वो 100% फिट नहीं थे। इस सीजन की बात करें तो सुरेश रैना भी अवेलेबल रहने वाले, इसके अलावा ड्वेन ब्रावो भी 100% फिट है। इसके अलावा भी बात करें तो उन्होंने मोहिन अली और कृष्णप्पा गौतम, दो बढ़िया स्पिनरों को अपनी स्क्वाड में ऑक्शन से शामिल किया है। इसके अलावा रॉबिन उथप्पा को भी ट्रेड करके लिया है। तो इस सीजन इनका फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड रहने वाला है। तो ऐसे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इस सीजन प्लेइंग 11 क्या रह सकती है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक जरूर देखकर अगर पसंद आता है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं ओपनिंग से। तो ओपनिंग में इनके पास में पिछले सीजन की बात करें तो सैम करन को भी इन्होंने ओपनिंग कराई थी, ऋतुराज गायकवाड़, फाफ डू प्लेसिस और शेन वॉटसन। तो ओपनिंग में इनके पास में पिछले सीजन ये चार बढ़िया विकल्प थे। इस सीजन की बात करें तो फाफ डू प्लेसिस को तो ओपनिंग कराई जाएगी, क्योंकि शेन वॉटसन ने रिटायरमेंट ले लिया है। तो एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ शेन वॉटसन, फाफ डू प्लेसिस एक बढ़िया ऑप्शन रहने वाले एक्सपीरियंस खिलाड़ी के तौर पर। इसके अलावा उनके साथ में रॉबिन उथप्पा और ऋतुराज गायकवाड़, ये दो बढ़िया ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन शुरुआती मुकाबलों की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ के साथ में ये जाने वाले हैं, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें तो पिछले सीजन सेम मुकाबलों में मौका मिला था, जिसमें उन्होंने 350 लगाई थी। लास्ट में जाकर उनका प्रदर्शन काफी बढ़िया रहा था। तो ऐसे में बात करें शुरुआती मुकाबलों में एक युवा खिलाड़ी को चेन्नई सुपर किंग्स जगह देने वाली है। तो ऋतुराज गायकवाड़ और उनके साथ में फाफ डू प्लेसिस ओपनिंग कर सकते हैं शुरुआती मुकाबलों में। उसके अलावा बात करें रॉबिन उथप्पा की तो उनका भी फॉर्म काफी बढ़िया है। विजय जारे की बात करें तो 2-3 सेंचुरी लगाई है। तो ऐसे में बात करें तो ये भी काफी बढ़िया ऑप्शन रहने वाले हैं। लेकिन शुरुआती मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ और उनके साथ में फाफ डू प्लेसिस खेलने वाले हैं। और बात करें तो एक एक्स्ट्रा ऑप्शन के तौर पर उनके पास में जगदीशन भी है, जो विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, और उनका भी विजय जारे में प्रदर्शन काफी बढ़िया है। तो ऐसे में वो भी एक ऑप्शन रहने वाले हैं। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़, फाफ डू प्लेसिस और रॉबिन उथप्पा, ये प्राइमरी ऑप्शन रहने वाले हैं ओपनिंग के लिए। और शुरुआती मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डू प्लेसिस ओपनिंग करने वाले हैं। अब वन डाउन की बात करें तो सुरेश रैना खेलने वाले, क्योंकि रैना की बात करें तो पिछले सीजन अवेलेबल नहीं थे, इस सीजन अवेलेबल है तो लगभग सभी मुकाबले खेलने वाले हैं। उसके बाद में अंबती रायडू खेलने वाले हैं, रायडू की जगह रॉबिन उथप्पा को भी खिला सकते हैं। अगर शुरुआती मुकाबले में रायडू का प्रदर्शन बढ़िया नहीं रहता है तो फिर रॉबिन उथप्पा को मिडिल ऑर्डर में भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बात करें राजस्थान रॉयल्स की तो उन्होंने भी उनको मिडिल ऑर्डर में ट्राई करा था। उसके बाद में सैम करन खेलने वाले हैं, जिनका बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही पिछले सीजन प्रदर्शन काफी बढ़िया रहा था। तो ऐसे में सैम करन भी लगभग सभी मुकाबले खेलने वाले हैं, अगर कोई इंजरी नहीं होती है तो। उसके बाद में धोनी खेलने वाले हैं, और बात करें तो रविंद्र जडेजा खेलने वाले हैं। रविंद्र जडेजा और धोनी मिडिल ऑर्डर में काफी ज्यादा डेप्थ दे देते हैं। इसके अलावा उनके बाद में बात करें तो कृष्णप्पा गौतम को इतनी बड़ी प्राइस देकर खरीदा है, तो कृष्णप्पा गौतम को भी खिलाने वाले हैं। ये दोस्तों गौतम की बात करें तो एक बढ़िया स्पिन विकल्प दे देते हैं, इसके अलावा अंत में जाकर के हार्ड हिटिंग भी कर सकते हैं। तो कृष्णप्पा गौतम भी एक बढ़िया ऑप्शन रहने वाले हैं। उसके बाद में मोइन अली, मिशेल सैंटनर और इमरान ताहिर, ये 3 स्पिनर है, उनमें से किसी एक को मौका मिलने वाला है, क्योंकि तीनों विदेशी है। और विदेशी खिलाड़ियों की बात करें तो फाफ डू प्लेसिस और सैम करन तो खेलने ही वाले हैं। उसके अलावा ड्वेन ब्रावो अगर 100% फिट है तो वो भी खेलने ही वाले हैं, क्योंकि उनके प्राइम बॉलर रहने वाले हैं। उसके बाद में सिर्फ एक ही स्लॉट बचता है जिसपे ये 3 बढ़िया ऑप्शन है। इमरान ताहिर की बात करें तो लेग स्पिनर है, इसके अलावा मोइन अली के साथ में मिशेल सैंटनर। या दोस्तों तो ये 3 बढ़िया ऑप्शन रहने वाले, मिशेल सैंटनर, मोइन अली और इमरान ताहिर, इन तीनों में से किसी एक को मौका मिलेगा। लेकिन शुरुआती मुकाबलों की बात करें तो मोइन अली और मिशेल सैंटनर, इन दोनों में से किसी एक को मौका मिलेगा। और मोइन अली की बात करें तो उनको 7 करोड़ रुपए की बोली लगाकर खरीदा है, तो शुरुआती मुकाबलों में उनको मौका मिलने वाला, बैटिंग में भी डेप्थ देते हैं, तो ऐसे मोइन अली भी खेलने वाले हैं। उसके बाद में बात करें तो इनके पास में जो बॉलिंग फास्ट बॉलिंग की बात करें तो दीपक चहर खेलने वाले हैं। जी दोस्तों, दीपक चहर की बात करें तो वो भी काफी बढ़िया ऑप्शन देने वाले हैं। उसके अलावा ड्वेन ब्रावो खेलने वाले हैं। तो ये रह सकती है सीएसके की प्लेइंग 11 इस सीजन की बात करें तो। आपको क्या लगता है कि कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।